स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ सी जीके मोरल मोरल का हम चैप्टर ले रहे हैं लेसन सिक्स उपदेश देने का फल। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में श्रमिक एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर तरह तरह के पक्षियों के घोंसले थे। चटका एवं चटका नाम के पक्षियों ने भी उस पर अपना घोंसला बना रखा था। दोनों गर्मी सर्दी पर एवं वर्षा वर्ष से बचते हुए आराम से उस वृक्ष पर निवास करते थे। एक बार की बात है, हेमंत ऋतु का आगमन हो गया। ऐसे ही समय में बादल भी आकाश में चक्कर काटने लगे। थोड़ी देर बाद देखते देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चटक और चटका आराम से अपने घोंसले में बैठे रहे। इसी समय वर्षा के जल में भीगा हुआ ठंड से अपने दांत कटकटाता और कांपता हुआ एक बंदर उस समय के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वर्षा और ठंड से उसकी हालत बुरी हो रही थी। चेहरा गल वह कांप उठता था। वह अपने आप को वर्षा एवं ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। बंदर की दयनीय दशा चटका से देखी ना गई। उसने बंदर से कहा, सोमय, हाथ और पैर मानव जैसे होने के कारण तुम तो मानव के समान दिखाई पड़ते हो। ऐसी स्थिति में तुम इस ठंड और वर्षा में क्यों कष्ट पा रहे हो? तुम तो हर एक काम करने में सक्षम हो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर दिए, फिर भला अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना लेते, जैसे तुम्हारी शीत ग्रीष्म और वर्षा से रक्षा होगी। इस तरह दर्दा तो नहीं भटक। बंदर की ठंड और वर्षा से ऐसी भी बुरी हालत हो रही थी। चटका की बात सुनते ही वह क्रोध से जल उठा। उसने अपनी आंखों से अग्नि उगलते हुए चटका, अरे अधमी, एक तो क्षुर पक्षी होकर तुम मुझे उपदेश दे रही हो। भला चाहती हो तो अपने घोंसले में चुपचाप बैठी रहो, अपनी धृष्टता न दिखाओ। लेकिन चटका ने पुनः कहा, सोमय, तुम मेरी बात को क्यों बुरा मानते रहे हो? मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए अच्छी बात कही है। यदि तुम्हारे पास घर होता तो इस ठंड और वर्षा से तुम्हारी ऐसी दशा क्यों होती है? इसमें बुरा मानने वाली बात ही क्या है जो तुम मुझ पर क्रोध हो रहे हो? देखो तो भला इस वृक्ष पर पक्षियों के कितने घोंसले हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में इस भयानक ठंड और वर्षा में भी आराम से बैठे हैं। इस बार चटका की बात सुनकर बंदर का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसकी देठाई तो देखो, एक कदम और नीच पक्षी होकर मेरा उपहास कर रही है। सुई के समान मुंह वाली धूर्ता और अपने को विदुषी कहने वाली यह मेरे साथ बकवास करती है और तनिक भी नहीं डरती। यह अपने आप को समझती क्या है? यह तो बद के योग्य है, अतः क्यों ना इसे मार डाला जाए। मनी मन यह विचार कर बंदर ने बड़े मधुर शब्दों में चटका से कहा, रही मोगरे, तो मेरी चिंता क्यों करेगी? मेरी चिंता कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? कहा भी गया है, विशेष श्रद्धा से युक्त होकर जानने को इच्छुक कोई व्यक्ति बात पूछे तो उससे बात करनी चाहिए या उपदेश देना चाहिए, अन्यथा नहीं। श्रद्धा रहित मनुष्य से कुछ कहना वन में रोने के समान निरर्थक है, अतः ज्यादा कहने से क्या प्रयोजन? इस पर चटका ने पुनः बंदर से उसकी भलाई की बात कही। बंदर भीतर ही भीतर क्रोध से उबल रहा था। जो ये चटका ने अपनी बात समाप्त की तो ये बंदर उस समय वृक्ष पर चढ़ गया, उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने चटका के हौसले को तोड़कर सौ टुकड़ों में विभक्त कर दिया और इसे उसे धरती पर पटक कर मार डाला। सच ही कह रहा है कि सज्जन को उपदेश देना ही फलदायिनी होता है, दुर्जन को नहीं। मूर्ख और दुर्जन व्यक्ति को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को ही बढ़ाने वाला होता है। जिस प्रकार घड़े के अंदर रखा हुआ दीपक अंदर ही प्रकाश देता है बाहर नहीं, उसी प्रकार मूर्ख एवं श्रद्धाहीन व्यक्ति को दिया गया उपदेश फलप्रद नहीं होता है। उपदेश अथवा अच्छी सलाह उसे ही देनी चाहिए जो उसके योग्य अर्थार्थ ज्ञानवान हो, उस पर अमल करने को तैयार हो, मूर्ख को नहीं।